केला सदाबहार, सस्ता, स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है। केले का वानस्पतिक नाम मूसा सेपिएंटा है। केला दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय फलों में से एक है। पूजा पाठ में केले, उसके पत्ते एवं वृक्ष को भी अति पावन स्थान प्राप्त है। केले को विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मूसा जाति के घासदार पौधे और उनके द्वारा उत्पादित फल ही आमतौर पर केला कहा जाता है। केले की उत्पत्ति लगभग 4000 वर्ष पूर्व मलेशिया में हुई। केले का संबंध विद्या एवं बुद्धि से है। केला एक पौष्टिक सोने की खान है। केले में सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज नाम की तीन प्राकृतिक शर्कराएं होती हैं। इसलिए केला तुरंत शक्ति देता है। सिर्फ 2 केले खाने से 90 मिनट तक वर्कआउट करने की ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए केला अधिकांश खिलाड़ियों और पहलवानों का पसंदीदा फल है। ताजा शोध ये बताता है कि आपको डॉक्टर से दूर रखने में केला सेब से भी आगे निकल गया है। आज सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में केला खूब पैदा होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश है। भारत के मुख्य केला उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम और बिहार। एक तो बीज लगाने की समस्या नहीं रहती है, दूसरे ये है कि नगदी फसल है, ये सालों भर इसमें केला कटते रहता है। और जहां रबी और खरीफ फसलों में 6 महीने पर फसल की बारी आती है, वहीं इसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ आमदनी होने का स्रोत जरिया बना रहता है। केला और प्लांटेन विकासशील देशों में लाखों लोगों के लिए एक प्रमुख खाद्य फसल है। केले के फल लटकते गुच्छों में ही बड़े होते हैं। एक गुच्छे में 3 से लेकर 20 केलों की पंक्ति होती है। केलों के लटकते हुए संपूर्ण समूह को गुच्छा कहा जाता है, या व्यावसायिक रूप से इसे बनाना स्टेम कहा जाता है, और इसका वजन 30 से 50 किलो होता है। प्रत्येक फल में एक मांसल खाद्य भाग होता है। केले के लिए 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या मटियार दोमट भूमि उत्तम होती है, केले की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। केले की महत्वपूर्ण किस्मों में शामिल हैं बोना केविंडिश, रोबस्टा, मोन्थन, पोवन निंद्रन, लाल केला, मालभोग, चीनिया, न्याली, अर्धपुरी, रसथली, कर्पूरवल्ली, करथली और ग्रैंड नेने आदि। केले की खेती से पहले हरी खाद फसल को उगाकर मिट्टी में दबा देना चाहिए। खेत की रोटावेटर और हैरो से जुताई कर देनी चाहिए। इसके बाद 7.5x7.5 मीटर की दूरी पर 1x1x1 मीटर आकार का गड्ढा खोद लेना चाहिए। इसके बाद 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद ऊपर की मिट्टी के साथ मिलाकर उसे भर देना चाहिए। G9 जो ग्रैंड नेन टिश्यू कल्चर पौधा तैयार कर रहे हैं और किसानों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं उसको लगाने के लिए। G9 जिससे 1-2 फीट कम होता है हाइट रोबस्टा से करीब करीब, उसको लगाने से और उसमें जो बंच है करीब करीब 152 से 170 के आसपास के केले होते हैं। एक केला का वेट जो है करीब करीब 80 से 125 ग्राम के आसपास पाया जाता है। लगभग 70% किसान सकर्स यानी पौधे की महीन जड़ रोपण सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जबकि 30% उत्तक संवर्धन पौध उपयोग कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर का जो केला है उसका पौधा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, एक दूसरा इसमें गौद काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें केला का साइज आकार जो होता है वो भी लंबा होता है। भूमि की उर्वरता के अनुसार प्रति पौधा 100 ग्राम नत्रजन, 80 ग्राम फास्फोरस और 125 से 150 ग्राम पोटाश की जरूरत होती है। साल में 2 बार खाद को बांट करके एक मिट्टी में जब हम उसका खेत तैयार करें तब डालें, दूसरा जब इसमें फल बनने वाला हो उससे पहले इस खाद को हम केले में दें। गुणवत्ता को
बढ़ाने में और उसके केले के फल को का साइज बढ़ाने में पोटाश का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। केले के बागीचे में किसान भाई अन्य फसलें भी उगा सकते हैं। आमतौर पर केले के बागीचे में शकरकंदी, कचालू, कई तरह के मसाले और औषधियां बोई जा सकती हैं। इससे किसानों को दोहरा फायदा होता है। किसान भाइयों को केले के खेतों में खरपतवार नियंत्रण पर भी खास ध्यान देना चाहिए। केले के खेत को स्वच्छ रखने के लिए निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। केले की अधिकतम उत्पादकता के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। ड्रिप के इस्तेमाल और पलवार से जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ है। केले की जड़ का हमने सैंपल लेके देखा और हमने ये पाया कि केले की जड़ में जो कई तरह की शर्करा है तो उसमें कई तरह के माइक्रोब्स पनपते हैं। उन माइक्रोब्स में एजोटोबैक्टर सबसे मुख्य बैक्टीरिया है। हम केले की जड़ की मिट्टी का प्रयोग भी अगर गुड़ और गोबर के साथ मिला के करें और इसके कल्चर को खेत में फैलाएं, जिससे नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति होगी, खेत की जो दिशा है और दशा है उसमें सुधार आएगी। पौध बोने के 11 से 12 महीनों के बाद फसल तैयार हो जाती है। बाजार वरीयताओं के आधार पर केला थोड़ा या पूरी तरह से परिपक्व अवस्था पर काटा जाता है। कटाई के बाद गुच्छों को रोशनी से बचाना चाहिए, क्योंकि वो पकने तथा नर्म होने की प्रक्रिया को तेज करती है। पकना शुरू होता है तब काट सकते हैं। यदि दूर के बाजारों में जाना है तो 80% यदि मैच्योरिटी आती है तब काटना है, और काटने के बाद उसको पहले रख देना है ताकि उसके जितने भी वो वूजिंग हो रहे हैं, जो उसके सैप वो निकल जाए, और उसको पत्ते में रैप करके तब उसको आप ट्रांसपोर्टेशन करें और आपके जब बाजार में वो पहुंचेंगे तो वो ठीक हालत में पहुंचेंगे। केले से प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे चिप्स, जैम, जेली, जूस और हलवा आदि प्राप्त होते हैं। कोमल तने को सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। केले के रेशे को सजावटी घरेलू वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे बैग व बर्तन आदि। केले के पत्ते स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकारी खाने की प्लेटों में इस्तेमाल किए जाते हैं। केले की वर्ष भर उपलब्धता के कारण ये भारत में सबसे लोकप्रिय कृषि प्रथा है।